हर एक यूट्यूबर सबसे बड़ी गलती अपने यूट्यूब वीडियो को अपलोड करते टाइम ही कर देता है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए जो यूट्यूब का SEO होता है उसको कंप्लीट कर लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप वैसे ही किसी वीडियो को उठाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो तो आपकी वीडियो चलने के चांस 0% है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपने जो भी वीडियो किसी भी कैटेगरी के अंदर आप यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो हो आपकी वीडियो का जो थंबनेल है वो आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाना होगा। वीडियो का थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस आपके उस वीडियो के थंबनेल को देखकर एक बार आपके चैनल पर आकर जरूर रुके। SEO के अंदर ये सबसे पहली बात कही गई है कि आपके YouTube का थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए, चाहे आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो या ना हो। YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए SEO के दूसरा नियम ये कहता है कि आपके वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल हमेशा ही सर्चेबल होना चाहिए, यानी कि YouTube पर सर्च किए जाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वीडियो के अंदर जो वीडियो अपलोड करते हो उसके अंदर कुछ भी डाल दो तो आपकी वीडियो सर्च के अंदर नहीं आएगी। और इसके लिए उन्होंने दो शर्तें बताई है, एक तो ये कि आपका जो टाइटल है उसकी लेंथ लगभग 60 करेक्टर तक होनी चाहिए, 60 से ज्यादा करेक्टर की आपकी वीडियो के टाइटल की लेंथ नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर आपको 2 से 3 टैग भी आपके टाइटल के अंदर जरूर जरूर डालने हैं। टाइटल के बाद अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, और 15 टैग आपको आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर डालने ही डालने हैं। 15 टैग डालने के बाद आपको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो से रिलेटेड जानकारी डालनी है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बाद अब बारी आती है टैग की। आपको दूसरे यूट्यूबर की तरह ये नहीं करना है कि आपकी वीडियो के अंदर कुछ एक यूट्यूबर क्या करते हैं 2 या 3 टैग डाल देते हैं, और कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं कि जो 500 करेक्टर के अंदर उसके अंदर टैग माने जाते हैं तो आप उसके अंदर 500 के 500 करेक्टर ही डाल देते हो, उससे आपकी वीडियो सर्च के अंदर नहीं आएगी। क्योंकि लगभग 300-350 करेक्टर के अंदर आपके वीडियो से रिलेटेड टैग है वो उसके अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, और उसके अंदर आता है अपनी लोकेशन। लोकेशन के अंदर आपको अपने देश का नाम नहीं रखना है, आपको अपने राज्य का नाम रखना होता है। जैसे आप हरियाणा से हो तो लोकेशन के अंदर आप हरियाणा डालिए, और अगर आप राजस्थान से हो तो आप उसके अंदर राजस्थान डालिए। ये नहीं कि आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हो और लोकेशन के अंदर आप अपने गांव का नाम दे रहे हो तो वो बिल्कुल ही गलत है। 6ठा पॉइंट ये है कि आप जब YouTube पर अपनी वीडियो अपलोड करते हो तो आपको अपलोड के टाइम उसको पब्लिक नहीं करना है। पब्लिक न करने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी वीडियो को अपलोड करते हैं और उसको सीधा ही पब्लिक कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हमारी वीडियो प्रोसेस होकर अपलोड होती है तो उस टाइम वो SD क्वालिटी के अंदर होती है, और अगर हम उसको अनलिस्टेड में रख के SD क्वालिटी अपलोड हो जाती है उसके बाद वो फिर प्रोसेस के अंदर चली जाती है HD फॉर्मेट के लिए, और HD के अंदर अपनी वीडियो को अपलोड होने के अंदर लगभग आपकी 3-4 मिनट की वीडियो है तो मान के चलिए आपको 20-25 मिनट का टाइम और लग जाता है। तो आप अपनी वीडियो को हमेशा ही अनलिस्टेड या प्राइवेट मोड के अंदर अपलोड करें, और अपलोड होने के आधे घंटे के बाद उसको फिर पब्लिक करें ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे और ऑडियंस आपके साथ कंटिन्यू जुड़ी रहे। अगर आप अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करते टाइम उसके इस SEO को जो मैंने आपको बताया इसको आप कंप्लीट करके अपनी वीडियो को अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो पर व्यू आएंगे, उनको कोई नहीं रोकेगा, वीडियो को YouTube खुद भी रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन अगर आप सीधी उठा के वीडियो उसके अंदर अपलोड कर रहे हो तो ये गलत तरीका है। आप इस तरीके से वीडियो बिल्कुल भी अपलोड ना करें, यूट्यूब का जो SEO है उसको कम्प्लीट करें। और यही SEO टेक्निकल योगी मनोज देव और अन्य जितने बड़े बड़े यूट्यूबर है आप उनके चैनल को चेक करेंगे तो उनके अंदर भी आपको उनका जो SEO होता है वो बिल्कुल ही कंप्लीट किया हुआ मिलेगा, जिससे YouTube इनकी वीडियो को ऑडियंस के पास ज्यादा से ज्यादा भेजता है और आज वो इस मुकाम पे है कि हम सब उन्हें टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल योगी जी के नाम से पुकारते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।